नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, रीएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। अकोला में, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या। लेकिन वो ऐसी एक एलिमेंट है जो अगर हमने यूज़ किया नहीं तो हम कहीं भी जा नहीं सकते। कॉन्टेक्स्ट नमक जैसा है, अगर वो हम डालते हैं तो हमारा जो खाना है वो स्वादिष्ट बनता है, टेस्टी बनता है। कॉन्टेक्स्ट को बोलते हैं संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट का सिंपल जो मीनिंग है वो है कि हम जो भी चीज़ करने वाले हैं उसके पीछे हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, वो हम क्यों करने वाले हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। अगर हम खाना खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम हमारे फैमिली के साथ घूम रहे हैं तो क्यों घूम रहे हैं। ऐसे हर एक चीज़ का अगर हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया तो हमारे जो लाइफ है उसमें पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस और हमको सक्सेस मिलेगा। ये एप्लीकेबल होता है पढ़ाई में। 90% बच्चे जो मैं देखता हूँ जो पढ़ते हैं वो बिना कॉन्टेक्स्ट के पढ़ते हैं। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं, खाना क्यों खा रहे हैं मालूम नहीं। बाकी लोग पढ़ रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं ये किसी को भी मालूम नहीं। तो ये चीज़ पेरेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जब हम बच्चों को बताते हैं कि पढ़ाई करो तो पढ़ाई क्यों करो ये बताना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं अच्छा डॉक्टर बनूँ इसलिए पढ़ाई करो, मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ इसलिए पढ़ाई करो। अगर इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ तो ये कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि मैं कल जाके साइंटिस्ट बनूंगा, अच्छी से अच्छी सेवा दूंगा ताकि कुछ ना कुछ नए मशीन्स निकालूंगा, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मैं सीए बन रहा हूँ, सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं पूरे इंडिया को फाइनेंशियली फ्री करूंगा, इसलिए मैं सीए बन रहा हूँ। ऐसा कॉन्टेक्स्ट हमने या हमारे पेरेंट्स ने डिटरमाइन करना चाहिए और फिर हमने पढ़ाई करनी चाहिए। बिना कॉन्टेक्स्ट के हम पढ़ाई करते हैं तो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। हमेशा यही कहते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट है या संदर्भ है वो निर्णायक होता है। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि हाँ खाली मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं या मेरे टीचर्स बोल रहे हैं या मुझे पास होना है, अगर मैं फेल हो जाऊँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि पढ़ाई करके मैं डॉक्टर बनूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा, बड़ा बंगला बांधूंगा, बड़ी बड़ी कार खरीदूंगा और इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये भी रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि हाँ मैं पढ़ाई करूँगा ताकि अच्छा डॉक्टर बनूँ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ, अच्छी डिग्री लूँ और फिर बाद में लोगों की सेवा करूँ, लोगों में समाधान, सेटिस्फैक्शन, उनको फिजिकली और मेंटली फ्री करूँ, इसलिए मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, तो वो करेक्ट कॉन्टेक्स्ट है। इसलिए हमेशा जब हम पढ़ाई करते हैं रोज, हमने कॉन्टेक्स्ट डिटरमाइन करना चाहिए और फिर पढ़ाई करनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल और फेमस स्टोरी है। एक बार एक राम मंदिर बन रहा था, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था लॉर्ड राम का, उनके मंदिर का। तब अलग अलग प्रकार के लोग काम कर रहे थे, तो एक जर्नलिस्ट थी, जर्नलिस्ट ने सबसे पहले एक व्यक्ति से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो व्यक्ति ने बोला कि मैडम जी, ये जो ईंट है ये ईंट मैं लगा रहा हूँ ताकि मुझे 100 रुपये मिले और मैं मेरे फैमिली का खाना पीना कर सकूं, इसलिए मैं ये ईंट लगा रहा हूँ। जर्नलिस्ट ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, तो वो दूसरे लेडी ने बोला कि मेरे बच्चे भूखे हैं, आज मैं पैसा कमाऊंगी, ईंटे एक मिक के ऊपर लगाऊंगी तो मेरे बच्चों को खाना खिलाऊंगी और मेरा आज का दिन निकल जाएगा, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। जब तीसरे लेबरर को जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, तब तीसरे लेबरर ने आंसर दिया, मैं एक मेक के ऊपर ईंटें लगा रहा हूं, चिपका रहा हूं ताकि कल जाकर मैं राम मंदिर बना सकूं और जो भी लोग हैं वो राम मंदिर का दर्शन ले सके और अपने जो मेंटल सेटिस्फैक्शन है उसको पूरा कर सके, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली मेरा बोलना है कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो निर्णायक है। आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आई ही कि हमारा जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है, बड़ा होता है, तब हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट पे आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।